कराची के मवासलाती इलाकों में रात गए बरसात महकमा मौसमियात ने आज कराची अहमदाबाद सखर समेत बारिश की पेशगोई कर दी। मीरपुर खासकोट की कनकोट सांगड़ हालात खैरपुर और करतनबा में मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गई, फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के कई शहरों में भी बरखा रुख का इम्कान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तोहियानी का खर्चा। पाक चीन यूई बॉन्स और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म का दौरा है पाकिस्तान। ली चियांग अक्टूबर में पाकिस्तान का 3 रोजा अहम दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म ली 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और दीगर अमूर से रखोराएंगे। दौरे के दूसरे हिस्से में चीनी वज़ीर आज़म 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत इजलास में शिरकत करेंगे। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द बालातर नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी और खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा कि पाक फौज दहशत गर्द इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में तावुन करती रहेगी। शुरका ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुवतों और इनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मी और तदारुक के लिए इकदाम पर गौर दिया। £190 मिलियन रेफरेंस केस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जजनाब से जावेद राणा अडियाला जेल रावलपिंडी में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को पेश किया जाएगा। समाअत पर बानी पीटीआई बुशा बीबी के वकला तफ्तीशी पर जिरा जारी रखेंगे। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा कि इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़े की दुकान खोलूं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, वोटर से माफी मांगता हूं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती फंड की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमकेएम पाकिस्तान के वफ की मुलाकात। वफ में खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल। ज़रा के मुताबिक एमकेएम वफ ने बिजली की कीमतों से मुतालिक तहफ़ुज़ात से आगाह किया। नरखों में कमी के मुतालबे पर अमल दरामद पर जोर दिया। एमकेएम ने वज़ीर आज़म से लापता कारकुनान की जल्द बाज़याबी का मुतालबा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।